बहुत सारे को जो है ये कास्ट वैलिडिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिखा रहा है, उनकी कास्ट वैलिडिटी हो गई है लेकिन वो पेंडिंग दिखा रहा है। उसी के साथ में बहुत सारे जो ऐसे हैं जिनका मतलब है ना वो स्टेटस मतलब सही दिखा नहीं रहा है। तो हम चलो इस वीडियो में देखेंगे हम कौन कौन से तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके से हम कास्ट वैलिडिटी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कास्ट वैलिडिटी अप्रूव हो गया है और डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वीडियो अंत तक देखें, तो आपको जो है 100% आप जो है ये आपकी कास्ट वैलिडिटी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो देखो पहले हम जो है हमारा एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो हम कैसे मतलब ने उसे देखेंगे। तो हम यहाँ पे बाल्टी की साइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे CCVIS के ऊपर जब लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका नाम डालना रहता है, यहाँ पे आपका जिला ये डालने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद में यहाँ पे नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट करके सर्च करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है ये बाल्टी की वेबसाइट के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम चालू होने की वजह से यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहे हैं, जबकि ये बंदे का जो है ऑलरेडी कास्ट वैलिडिटी हो गई है। अब यहाँ पे हम चलो दूसरा जो है हम यहाँ पे ट्रैक यूअर एप्लीकेशन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे, यहाँ पे जो भी कैप्चा दिखाई देगा वो डालने के बाद में सबमिट करने के बाद में हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे वैलिड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज चेक यूअर मेल और लॉगिन। तो या तो आपको एक तो ईमेल चेक करना है या तो आपको लॉगिन करके ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है अभी हो सकता है। तो चलो हम इसमें से पहली मेथड देखेंगे चेक यूअर रजिस्टर्ड मेल। तो अगर आपके मतलब है मेल के ऊपर ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आया है तो आपको जो है इनबॉक्स में अगर नहीं दिखता है तो आपको स्पाम मेल एक बार चेक कर लेना है। अगर स्पाम मेल में भी नहीं है तब फिर आपको जो है ऑल मेल के अंदर चेक करना है, और उसके अंदर भी अगर नहीं है तो हम दूसरी प्रोसेस वो क्या है दूसरा मतलब प्रोसेस इसके लिए जो है हम हमारे लॉगिन आईडी जो हमारा ईमेल रहता है वो डालेंगे, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो डालने के बाद में कैप्चा डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो ये डाउनलोड की लिंक आपको दिखा रही है, यहाँ वैलिड दिखाया है, यहाँ डाउनलोड के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो लिंक है डाउनलोड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से ये जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ये आपका VC नंबर है, ये ध्यान रखें, ये VC नंबर को ध्यान रखो, आगे हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो VC नंबर से कैसे डाउनलोड करना है वो देखने का। तो यहाँ पे ये VC नंबर हमारा यहाँ पे 2022 वगैरह जो भी रहेगा उस बाद में डैश और वो नंबर रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पर समझो ये होने के बाद में फिर यहाँ पे जो है ये डाउनलोड जब कर लेंगे तब फिर हमें जो है इस तरह से हमारा सर्टिफिकेट हमें दिखाई देगा। अभी अगर यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पे मैंने इसको जो है वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर वैलिड करके मतलब किया है, बहुत से के इसके ऊपर मतलब है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, तब ऐसे वक्त में जो है आपको ये पहले तो आपका जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में PDF को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपका जहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप कर्सर आपको रखना है और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में वैलिडेट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ट्रस्टेड में जाएंगे, ट्रस्टेड के अंदर पे क्लिक करने के बाद में अनचेक बॉक्स तुमको दिखाई देंगे, उसे सबको टिक कर देना है और उसके बाद में वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपकी सिग्नेचर वैलिडेट आपको दिखाई देगी। अब तीसरी प्रोसेस जो है हम देख लेते हैं। अब तीसरी जो प्रोसेस है हम डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मतलब इन्हें ये डिजी लॉकर क्रिएट किया है, बड़ा मतलब इन्हें सेफ ऐप है, आपने अगर नहीं किया होगा तो इसे एक बार आप साइन अप कर ले। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करके आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मेरे पास चलो ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे यहाँ मेरा अपना जो है आधार नंबर डाल सकते हैं या आधार को लिंक जो मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। आपने जो है 6 डिजिट का जो पिन जनरेट सिक्योरिटी पिन जनरेट किया था वो पिन यहाँ डालना है, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आधार को लिंक मोबाइल है उसके ऊपर OTP जाएगा, OTP डालना है, सबमिट करना है। तो इस तरह से ये जो पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ यू इश्यू डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट मतलब मैंने डाउनलोड किया है ये डिजी लॉकर से उसका सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अभी हमें जो है कास्ट वैलिडिटी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको जो है सर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर हमारा जो कास्ट वैलिडिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, तो इसके लिए आपको स्टेट व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा महाराष्ट्र को देखो, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सर्च करना है, यहाँ पर देखो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो वीसी नंबर है वो डालना है, जैसे मतलब यानी डैश 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 यानी 2022 डैश, और उसके बाद में आपका सीवीसी नंबर वो डालेंगे और गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देखो ये जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ये, और हमने जो कास्ट वैलिडिटी एप्लीकेशन करते टाइम में जो डेट ऑफ बर्थ डाला, अगर ये मिसमैच रहेगा तो ये फिर ये तुम्हारा ये प्रोसेस से ये वैलिडिटी डाउनलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे ये फिर जो है ये कास्ट वैलिडिटी डिजी लॉकर जो है हमारा बाटी के साइड से ये फेच करेगा, फेच करने के बाद में फिर हमारे इसमें से जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चौथा जो तरीका है ये सब में आसान और ये 100% जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा आसान तरीका। अभी यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो ये एक मैंने लिंक दिया हूँ, ये लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आपको क्या करना है, तो ये पूरा जो लिंक है इसको यहाँ पे जो है ईडी और ईडी के आगे, जैसे अभी यहाँ पे ये मतलब मैंने ब्लर किया है, किसी दूसरे का मतलब मुझे नहीं दिखाना है, शो नहीं करना है, तो वो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो यहाँ पे आपको ईडी, आपके बाद में उसके जो भी आपका ईयर है वो लिखेंगे, यानी यहाँ पे आपका कास्ट वैलिडिटी नंबर लिखना है 2022 डैश। अब यहाँ पे जो है मैंने पूरा कास्ट वैलिडिटी नंबर XX किया है, आप आपके अनुरूप करना है, ये मैंने हाइड किया हूँ। उसके बाद में अंडरस्कोर और उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एक कैपिटल होना चाहिए, और डॉट PDF। तो ये यहाँ पे ईडी से के इतना यहाँ से आखिरी में आपको ये आपके अनुरूप करना है, और ये जो लिंक है फिर जो आप ये नया लिंक आपका जो बनेगा उसे किसी भी ब्राउजर के अंदर आप गूगल क्रोम में या मोजिला में जो है उसे आप पेस्ट कर दो और उसको एंटर कर दो, तो इस तरह से जो है ये आपकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये डाउनलोड हो जाएगी। अभी दोस्तों अगर समझो ये आपका प्रॉब्लम समझो ये गूगल क्रोम से में भी अगर नहीं हो रहा है तो आप मोजिला में करें तो आपका 101% आपकी कास्ट वैलिडिटी ये डाउनलोड हो जाएगी, यदि आपका वैलिड है तो। तो इस तरह से जो है हम ये कास्ट वैलिडिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, कभी इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एक बार वो आप जो आपका प्रोसेस है ये आप दूसरे जगह जाके एक बार ट्राई करें, अगर वहाँ से वो मतलब हो जाता है तो इसका मतलब आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अब बहुत सारे जो वाईफाई के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके अंदर यह चीज़ आती है। तो एक अगर पहले देख लो, अगर तुम्हारे इसमें हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप दूसरे इंटरनेट के ऊपर जाके वहाँ से आप ये डाउनलोड करने की कोशिश करो। और ये जो फोर्थ मेथड है ये 101% काम कर रही है, मैं इसी के सहारे सारी चीज़ें करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।